भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्धप्रतिश पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। अब इस बार बात हारिया जीत की नहीं है, बल्कि संतुलन की है। इसलिए अब जाइए अपना काम करने और पढ़ाई करने, और इन चार के लोगों को अपना जीवन संतुलन बनाने दीजिए। रमा, आज मेरी इस धारणा पर प्रश्न चिन्ह आ गया है कि जीवन के हर समस्या का हल कानून होता है। मैं इस पर जरूर सोचूंगा रमा। भीमबाव, मैं आपके साथ चलूं क्या? मैं कुकन की गाड़ी भी ले लूंगी। चलिए ना भाभी। और दीदी, भैया को यह कहिएगा जरूर कि हम सबको उनकी बहुत याद आती है। चलता हूं, आइए भाभी। आप पत्थर मारिए, नहीं तो कुछ भी कीजिए, मैं नहीं जाऊंगा यहां से। आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए और पढ़ा दीजिए समाजशास्त्र। पागल, भीमराव को पढ़ा रहा है तू? अब नहीं पढ़ाओगे, ठीक है? कौन? अब तो खून सिर्फ तेरे हाथ से निकला है, बाद में पूरे शरीर से खून ही खून निकलेगा, समझा? भीमराव, 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 भीमराव! गुरुजी, ये तो गुरुजी की आवाज है। गुरुजी, ये आपके हाथ को क्या हुआ है, दिखाइए। तुम कॉपी किताब निकालो, पढ़ाई करो। क्या? हाँ हाँ, पढ़ाई करूंगा गुरुजी, लेकिन पहले बताइए तो सही, ये लगा कैसे? आप घायल है, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखो, गुरु की आज्ञा की अवहेलना नहीं होनी चाहिए। निकालो कॉपी पेंसिल, निकालो, पढ़ाई शुरू करो। हाँ, नींद तो आ ही रहा था पढ़ने, आवाज देकर इसलिए जल्दी बुलाया ताकि तुम्हें जल्दी जवाब दे सकूं। खूब जानता हूं तुम्हारे बारे में, खूब सुना है मैंने। तुमने भीम को छुट कराया, धमकाया, लेकिन भीम पर कोई फर्क नहीं पड़ा। जब मेरे शिष्य पर कोई फर्क नहीं पड़ा तो गुरु पर कैसे पड़ेगा? तुम निकालो, निकालो कॉपी किताब, लिखो लिखो। समाज की सबसे बड़ी धरोहर है उसमें रहने वाले लोगों का सभ्य होना। जिस समाज में सभ्य लोग नहीं रहते ना, उसको पतन निश्चित है। क्या क्या कहा? हम सभ्य नहीं है पगले? तो आज ये सारे असभ्य लोग ये बात बोलते हैं कि अगर तूने भीमराव को पढ़ाना बंद नहीं किया तो तुझे जात से बाहर कर देंगे, समझा? तुमने जो करना है कर लो। तुझे शायद मतलब समझ में नहीं आया ना? मतलब ये कि अगर तू पैसे लेकर ये भजिया खाने भी निकला ना तो तुझे भजिया मिलेगा
और ना ही भीख, समझा? वैसे तो तू भटक भटक के जीता है ना, जब भटकने के लिए जमीन भी नहीं देंगे। हाँ, इसलिए अगर यहाँ रहना चाहता है तो पढ़ाना बंद कीजिए। आज मेरी इस धारणा पर प्रश्न चिन्ह आ गया है कि जीवन के हर समस्या का हल कानून होता है। आप सबको जो करना है कर लीजिए, मैं पढ़ाऊंगा इसको। गुरुजी, मैं नहीं पढ़ूंगा। वाह वाह, अगले समझदार होना दिया तूने इसे। हाँ, वैसे भी भीमराव की वजह से बहुत सारी जिंदगियां बर्बाद हो चुकी हैं, तो एक और जिंदगी क्यों बर्बाद हो? नहीं भीम, ये लोग डरा रहे हैं तुझे। नहीं गुरुजी, मैं डर नहीं रहा हूँ। मैं बस इसलिए पढ़ाई नहीं करूंगा क्योंकि मैं आपको मुसीबत में देख नहीं सकता। माफ कीजिए। नहीं भी भाव, आप पढ़ेंगे भी और इन्हें कुछ होगा भी नहीं। ए सरला, क्या दो चार महिलाओं को इकट्ठा करके मुआवजा क्या ले लिया? क्या लगता है दुनिया जीत ली? और वैसे भी इस पागल गुरुजी को तो मुआवजा मिलेगा नहीं, क्योंकि ना तो ये महिला है और ना ही किसी की पत्नी है। सरला जी, ये इतने पैसे हैं कि आप इन लोगों से दूर जाकर कहीं नया जीवन शुरू कर सकते हैं, और इसे मेरी मदद मत समझिएगा बल्कि फीस समझिएगा, भीमराव की पढ़ाई की। लेकिन सरला जी, आपकी बीवी ने मेरी इतनी मदद की है, तो कोई मदद मुझे भी करने दीजिए और ना मत कहिएगा। और आप सब जाइए और ये मानकर जाइएगा कि आपने इस व्यक्ति को जात से बाहर कर दिया है। जाइए। ठीक है भीम बाप, आप पढ़ो और हमेशा पढ़ते रहो, मैं चलती हूँ। भीम, तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। मुझे एक बहुत जरूरी काम याद आ गया है, मैं अभी आता हूँ। तुम्हारे शिष्य थे इसलिए थप्पड़ नहीं मारा। आज का सबसे बड़ा दुश्मन गैर जिम्मेदार शिक्षक होता है, ये बात गांठ मान लो वरना इतिहास के गुनहगार बन के रह जाओगे। हाँ, अरे नहीं खाएगा आम का, भूखे रहेंगे। क्या फर्क पड़ा था तुम लोगों का? अब फर्क तो पड़वे करेगा ना, अब पति नहीं खाएगा तो हम पत्नी लोग कैसे खा ले खाना? हाँ तो ठीक है, सबसे पहले तुम सब माफी मांगो हम सबसे। हाँ, और कसम खाओ कि तुम भीम और रमा के बहकाव में नहीं आओगी। अरे लेकिन माफी कौन चीज को मांगे जब कोनो गलतियां नहीं किए हैं? हम लोग भीम रमा के बहकावे में नहीं आए हैं, वो लोग खाली सच्ची बात कहते है, वह का अच्छा लगता है बस। होएगा फिर हमारे साथ ये सब लोग भी भूखे रहेंगे, और हमका अच्छे से भविष्य दिख रहा है ई चाल में शादी किए हुए सब लोगन का। सबका अंत राम जी के जैसा ही होएगा।
भीम और रमा के बहकावे में आए के सब औरतें अपन अपन घर छोड़ के चली जाएंगी, जैसन जीजा बाई चली गई है। मगर आई तो आ गई। जिस काम के लिए गई थी वो हो गया ना? अंदर चलो। जिस काम से गई थी वो हुआ या नहीं? वाह वाह जीजा भाई वाह। वैसे भी वो तेरे मायके की तेरे नाम पर जो जमीन थी वो किस काम की थी? अब उस जमीन के बदले तू ये पैसे ले आई और इस पैसे से पूरी चाल में भीम के समर्थकों को खरीद लेंगे और पूरी चाल फिर तुम्हारे साथ होगी जीजा भाई। आज जो भीम का रुतबा है कल तुम्हारा हो जाएगा, देख लेना। आज तक भीम के सामने कोई नहीं टिक पाया है भाभी, लेकिन अब उसके सामने मैं खड़ी रहूंगी, टिकूंगी भी और जीतूंगी भी। लेकिन इस लक्ष्य को पाने के लिए आपको यहाँ रहना होगा, आपकी जरूरत है मुझे, तब तक आप कहीं नहीं जाएंगे। ये मेरे लिए आखिरी मौका है भाभी और आप मेरी आखिरी उम्मीद। इस घर में आज तक ना ही मुझे मेरा हक मिला है और ना ही सम्मान, लेकिन अब मैं सब कुछ पाकर रहूंगी, सब कुछ। जीजा भाई इस लड़ाई को मैं जितवाऊंगी और अब जैसे जैसे हमने योजना बनाई है वैसे वैसे हमें करते रहना है। बाहर जा। ये पैसे मैं अच्छे से रख देती हूँ संभाल के। जी संभाल कर रखी है इसे। और जीजा भाई अब तुम तेवर बदलकर और सुर बदलकर बात करोगी, समझी? हाँ जाओ। तो ठीक है, जब तुम लोग खाना नहीं खाओगे तो हम लोग नहीं खाएंगे, रह जाएंगे भूखे। और का क्यों भूखा रहना है? और भूखा रहने से क्या होगा? ऐसे बेवजह क्यों लड़ रहे हैं आप लोग? ए, लड़ रहे हैं ये लोग? बेवजह लड़ाई का नाम देकर गुनहगार साबित कर रहे हो उन्हें? हाँ जीजा भाई अभी मायके से आई हूँ, जाकर आराम करो। अते ही चाल के मसलों में बोलने की कोई जरूरत नहीं। जरूरत है।
मेरा पति तो मेरा हो नहीं पाया, और इनके पति इनके ना हो ये मैं देख नहीं सकती। अगर अपनी बीवी का बोलना पसंद नहीं आ रहा है तो अंदर जा सकते हैं आप। हाँ जीजा भाई, ये किस तरह बात कर रही है भैया के साथ? अच्छा हुआ आप भी यही है। एक काम कीजिए, अपने भाई को लेकर आप भी अंदर चले जाइए। जाइए, कोई काम नहीं है आपका यहाँ। एकदम सही तेवर और सुर पकड़ी हो जीजाबाई, यही चाहिए। अब आई आई, इन औरतों की कोई गलती नहीं है। आप इन सारे मर्दों से माफी मांगकर सारी औरतों को गुनहगार क्यों बना रही है? मत मांगिए। चुप। अकल वकल तो है नहीं। माफी नहीं मांग रही हूँ, निवेदन कर रही हूँ कि आप सब भी खाना खा लीजिए और अपनी पत्नियों को भी खिला दीजिए। जीजा भाई ऐसा क्यों कर रही है? हितेश भाऊ, अब आप ही सबको समझाइए। हाँ जीजा भाई, भीम और रमा के पक्षधर नहीं है, इसलिए जीजाबाई के बात की लाज रख लेनी चाहिए हमें। जनार्दन, जोखू और सकाराम, तुम लोग तीनों खाना खा लो और अपनी अपनी पत्नी को भी खिला दो। अब आगे की बात बाद में देखेंगे। क्या बाद में देख लेंगे, अभी अच्छे से रहिए ना आप। रमा अंदर चलो, चलो अंदर। अरे क्यों खड़े खड़े मुंह देख रही है? रोज का है, छोड़ो इन्हें। जाइए खाना बनाइए और अपने पतियों को भी खिलाइए। जाइए जाइए। जो कुछ भी हुआ उसके बारे में भले ही हम कुछ नहीं कर सके, लेकिन हम अगर चाहते हैं तो यहाँ बैठकर दोनों आराम से पढ़ सकते हैं। कुछ देर पढ़ाई करेंगे। लो। मेरा पति तो मेरा हो नहीं पाया, और इनके पति इनके ना हो ये मैं देख नहीं सकती। अगर अपनी बीवी का बोलना पसंद नहीं आ रहा है तो अंदर जा सकते हैं आप। आई बाबा से ऐसे बात नहीं कर सकते, वो जरूर मायके से कुछ ना कुछ सोच कर आई है, और घर में कुछ ना कुछ तो करेगी। तुम्हारे भाभी ने तुम्हें संदेश सुनाई भिजवाया? मैंने उनसे कहा था अगर तुम्हें शांति चाहिए तो मायके में ही रहो। जब पति को कुछ बताना ही नहीं है उसके पास क्यों आई? ईसा भाई मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, जवाब दो। कब से बोले जा रहा हूं तुम सुने जा रही हो? बेवकूफ नहीं हूं मैं, मेरे सवाल का जवाब दो। अभी जब मैं मेरे मायके गई थी ना, वहां एक बहुत बड़े ज्योतिष मिले मुझे, बहुत पहुंचे हुए। तो उन्हें बताया मैंने कि मेरे ससुराल में सब लोग बहुत सवाल करते हैं, तो उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छा उपाय बताया। पूछिए कौन सा?
पूछिए ना। कौन सा? यही कि जब कोई ज्यादा सवाल करने लगे तो मौन व्रत धारण कर लूं। और अब से मैं यही करने वाली हूँ। अच्छा, मतलब तुम कुछ भी कहो, कुछ भी करो, तुमसे कोई सवाल पूछे तो उसका जवाब ना दो, ऐसा नहीं चलेगा, मैं चलने नहीं दूंगा।